नमस्कार दोस्तों, कल के वीडियो में हमने पाचन तंत्र का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। पार्ट फर्स्ट में हमने जाना था कि ये जो पाचन तंत्र होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो हमने ये बताया था कि ये पाचन तंत्र जो होता है वो हमारे मुख से स्टार्ट होता है। मुख से स्टार्ट होके मुख गुहा से होते हुए ये जाता है स्टमक में, स्टमक से जाता है ये छोटी आंत में, छोटी आंत से होते हुए ये जाता है बड़ी आंत में, और एंड कहाँ पे होता है, ये एनस पे एंड हो जाती है आहार नाल। इसके बाद हमने पाचन की परिभाषा को जाना था। पाचन की परिभाषा में हमने जाना था कि जो जटिल पदार्थ होते हैं उनको सरल पदार्थों में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि पाचन के कितने चरण होते हैं। तो उसमें हमने बताया था कि अंतःकरण होता है, इसके बाद किसी भी भोजन का पाचन होता है, इंजेशन करने के बाद उसका पाचन होता है, पाचन के बाद उसका अवशोषण होता है, अवशोषण के बाद उसका स्वांगीकरण होता है, स्वांगीकरण से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, स्वांगीकरण के बाद जितने भी वेस्ट पदार्थ होते हैं मल मूत्र जैसे हो गया उसको हम एनस के थ्रू डेफिकेट कर देते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि पाचन तंत्र में जो आहार नाल होता है वो माउस से स्टार्ट होता है, फिर वो बक्कल कैविटी में जाता है। तो बक्कल कैविटी में फिर हमने टीथ के बारे में जाना था। जो टीथ का बाहरी भाग होता है दोस्तों वो इनेमल का बना होता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है तो आप बताएंगे इनेमल। ये भोजन को केवल चबाने का काम करता है। टीथ का आंतरिक भाग डेंटाइन का बना होता है। और हमने ये जाना था कि जो मिल्क टीथ होते हैं इनकी संख्या 20 होती है, ये जीवन में 2 बार निकलते हैं। और जो परमानेंट टीथ होते हैं इनकी संख्या 12 होती है, ये जीवन में केवल 1 बार निकलता है। इसके बाद हमने डेंटल फार्मूला जाना था। एडल्ट का 2123 होता है, 2123, और चाइल्ड का 2102 होता है। इसके बाद हमने जीभ के बारे में पढ़ा था। जीभ के अग्रभाग से हमने जाना था कि मीठे स्वाद का पता चलता है, अग्रपार से जाना था सॉल्टी नेचर का पता चलता है, पश्चपार से जाना था कि हमें खट्टे का पता चलता है, और पार्श्व भाग से हमने जाना था तीखे स्वाद का पता चलता है। इसके बाद हमने लार ग्रंथि के बारे में पढ़ा था। लार ग्रंथि से हमने बताया था कि सलाइबा या लार सिक्रेशन होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं सोडियम पोटेशियम, और लार में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं सलाइबरी एमाइलेज और लाइसोजाइम। तो हमारे माउथ में जो स्टार्च होता है जिसको हम मंड कहते हैं वो स्लाइबा में पाया जाने वाले एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज के द्वारा माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हमने ये जाना था कि जो है स्लाइबा भोजन, इसमें एक चिपचिपा पदार्थ होता है लार में हमारे, वो हमारे भोजन को लुगदी बनाता है। जो भोजन लुगदी बन जाता है तो उसे बोलस कहते हैं। तो जो भोजन हमने खाया वो माउथ में बोलस में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद ये बोलस जो होता है फेरिंग से होते हुए इसोफेगस में आता है। ये ओएसोफेगस में जब आ जाता है तो हमने ये भी बताया था कि ओएसोफेगस में किसी भी भोजन का पाचन नहीं होता है। इसके बाद अब हम देखेंगे कि हमारे पेट में किन किन चीज़ों का पाचन होता है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि हमारे पेट में किन किन चीज़ों का पाचन होता है। हमारे पेट में, पेट को कहते हैं आमाशय, इनमें किन किन चीजों का पाचन होता है। तो हमारे आमाशय के म्यूकोसा में, जो हमारे आमाशय में म्यूकोसा होती है उसमें, म्यूकोसा में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं, जठर ग्लैंड कहते हैं, जिससे गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है, या हम कह सकते हैं इसे जठर रस स्रावित होता है। तो हमारे पेट में म्यूकोसा में गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है उससे जठर रस का सिक्रीशन होता है। अभी हमने बताया कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से जठर रस का सिक्रीशन होता है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड कभी कभी दोस्तों पूछा जाता है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है वो स्टमक के किस पार्ट में पाई जाती हैं? तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती हैं ये पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक में पाई जाती हैं, स्टमक में पाई जाती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाई जाती हैं? पाइलोरिक पार्ट ऑफ द स्टमक में पाई जाती हैं। इससे जठर रस निकलता है, इससे जठर रस निकलता है। तो ये जो दोस्तों गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गई, इसके अंदर म्यूकस नेक्सेल होती है,
ये क्या सिक्रेट करती हैं? ये सिक्रेट करती हैं म्यूकस, म्यूकस नेक्सेल जो होती हैं वो म्यूकस सिक्रेट करती हैं। और जो पेप्टिक सेल होती हैं, कभी कभी पूछा जाता है पेप्टिक या चीफ सेल से किसका सिक्रीशन होता है, इससे सिक्रीट होता है प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन। तो पेप्टिक या चीफ सेल से क्या सिक्रीट होता है, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन। फिर इसके बाद इसमें तीसरे टाइप की जो सेल होती है, पूछा जाता है एससीएल किससे सिक्रीट होता है, एससीएल पेराइटल या ऑक्सेंटिक सेल होती है, इससे सिक्रीशन होता है किसका दोस्तों, इससे सिक्रीशन होता है एससीएल का। और किसका सिक्रीशन होता है, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर का। दोस्तों कभी कभी ये पूछा जाता है ये कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या काम करता है, ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। तो अभी हमने बताया ऑइसोफेगस से होते हुए खाना कहाँ पे आता है, ऑइसोफेगस से होते हुए खाना पेट में आता है, जो पेट में खाना होता है वो हमारे भोजन जो होता है वो हमारे स्टमक में कितनी देर तक, 4 से 5 घंटे तक रहता है दोस्तों। उस दौरान जो जठर रस होता है, जब ये 4 से 5 घंटे रहता है तो उस दौरान जो ये जठर रस होता है जिसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, जठर रस जिसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, ये हमारे भोजन से मिक्स होता है। उस दौरान जो है जब जठर रस भोजन में मिल जाता है तो ये भोजन काइम में कन्वर्ट हो जाता है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि खाया हुआ भोजन काइम में आहार नाल के किस भाग में परिवर्तित होता है, तो खाया हुआ भोजन जो है वो स्टमक रीजन में जो है हमारे पेट में काइम में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों अभी हमने बताया था कि जो पेप्टिक या चीफ सेल होती हैं वो सिक्रीट करती हैं प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन, पेप्सी नोजन, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन। इस पे जो पेराइटल या ऑक्सेंटिक सेल से एससीएल निकलता है वो इस पे एक्ट करके इसको एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कौन सी चीज कन्वर्ट करती है, तो वो एससीएल हो गया। फिर इसके बाद जो ये पेप्सिन होता है ये कन्वर्ट करता है किसको, ये प्रोटीन को, ये पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन पे काम करता है और प्रोटीन को तोड़ता है पेप्टोन और प्रोटीओसिस में। तो दोस्तों जो इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन था इस पे एससीएल काम करता है, इसको एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। जो ये पेप्सिन होता है पेट में ये प्रोटीन पे वर्क करता है और प्रोटीन को, जो पेट में प्रोटीन होती है पेप्सिन उस पे कार्य करके इसको पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस में तोड़ता है। हमारे जो जठर रस होता है दोस्तों, जो जठर रस होता है जिसे गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, इसमें रेनिन रेनिन एंजाइम पाया जाता है, रेनिन एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है, जो हेल्प करता है, हमारी मदद करता है डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन इन इन्फेंट। मतलब जठर रस में हमारे एंजाइम रेनिन पाया जाता है जो दूध के पाचन में हेल्प करता है या दूध के पाचन में सहायता करता है बच्चों में। तो कभी पूछा जाए क्वेश्चन बच्चों में दूध के पाचन में कौन सा एंजाइम मदद करता है, तो रेनिन। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि भोजन का पाचन स्टमक में किस प्रकार होता है, स्टमक में जो भोजन होता है वो हमने देखा काइम में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये भोजन इस पेट से होते हुए हमारे कहाँ पहुंचेगा, छोटी आंत जिसे क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत। छोटी आंत के दो दोस्तों होते हैं, इनके 3 भाग होते हैं डियोडेनम, छोटी आंत में डियोडेनम
जिसे ग्रहणी कहते हैं। ये 25 सेंटीमीटर होता है डियोडेनम। छोटी आंत में और क्या होता है? जेजुनम। जेजुनम को मध्यांत्र कहते हैं। ये 2.5 मीटर होता है डियोडेनम, जेजुनम। अब इसके बाद आएगा इलियम, जिसे शेषांत्र कहते हैं। ये 3.5 मीटर होता है। तो अब हमने देख लिया दोस्तों, छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। तो ये भोजन जो होता है पेट से होते हुए छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में क्या होता है? जो अग्नाशय के एंजाइम होते हैं, वो छोटी आंत में ये सिक्रीट होते हैं छोटी आंत में और भोजन का पाचन करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि अग्नाशय में हमारे कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अग्नाशय में कौन कौन से एंजाइम होते हैं। अग्नाशय को कहते हैं दोस्तों पैंक्रियाज। ये अग्नाशय है, इसमें जो होता है इससे निकलता है लाइपेज एंजाइम। अग्नाशय से लाइपेज एंजाइम अग्नाशय से निकलता है। क्वेश्चन पूछा जाता है लाइपेज एंजाइम किसके पाचन में मदद करता है? तो ये फैट या वसा का पाचन करता है। लाइपेज एंजाइम फैट या वसा का पाचन करता है। और अग्नाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अग्नाशय में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है एमाइलेज किसका पाचन करता है? ये स्टार्च या मंड का पाचन करता है। एमाइलेज स्टार्च या मंड का पाचन करता है। और तीसरा एंजाइम इससे क्या निकलता है? तीसरा एंजाइम इससे निकलता है ट्रिप्सिन। ये पाचन करता है, जो पेट में प्रोटीन थी प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में कन्वर्ट हुई थी उसको डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। तो इसको हम कह सकते हैं ये प्रोटीन का पाचन करता है। तो हमने देखा कि अग्नाशय में वसा, मंड और प्रोटीन तीनों का पाचन होता है, इसलिए इसे कहते हैं कंप्लीट एंजाइम। दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा जाता है अग्नाशय के सिक्रीशन को कौन सा एंजाइम बढ़ाता है? तो सिक्रेटिन जो एंजाइम होता है, सिक्रेटिन एंजाइम अग्नाशय के सिक्रीशन को बढ़ाता है। तो दोस्तों इसके बाद हम ये जानेंगे, क्योंकि वसा के पाचन के लिए बाइल भी जरूरी होता है, बाइल जिसे हम पित्त कहते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि पित्त हमको मिलता कहाँ से है? जो ये पित्त होता है इसका फॉर्मेशन लीवर में होता है, या कृत जिसे कहते हैं। इसमें पित्त का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है पित्त का फॉर्मेशन कहाँ होता है? पित्त का फॉर्मेशन जो होता है वो हमारे यकृत में होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पित्त का स्टोरेज कहाँ होता है? तो पित्त का स्टोरेज कहाँ होता है? हमारे पित्ताशय में होता है, जिसे गाल ब्लैडर कहते हैं। पित्ताशय में होता है। तो ये पित्त हम देखते हैं किस तरह से जो है वसा के पाचन में मदद करता है। दोस्तों क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि जो हमारा पित्त होता है या बाइल, इसमें कोई भी पाचन एंजाइम नहीं होता है, फिर भी ये पाचन में मदद करता है। इस
स्पेशली ये किसका पाचन करता है? स्पेशली ये वसा के पाचन में मदद करता है, पाचन में मदद करता है। तो जो ये पाचन हुआ, पाचन या डाइजेशन कह सकते हैं फैट या वसा का, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। इमल्सिफिकेशन किसे कहते हैं? इमल्सिफिकेशन कहलाता है, डाइजेशन ऑफ फैट कहलाता है इमल्सिफिकेशन। अब हम देखेंगे कि छोटी आंत में कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं। छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, तो छोटी आंत से निकलता है माल्टेज, लाइपेज, लैक्टेज, सुक्रेज, ये सब एंजाइम निकलते हैं कहां से? छोटी आंत से, छोटी आंत से। तो दोस्तों हमने देखा था प्रोटीन जो था वो स्टमक में प्रोटीओसेस और पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो रहा था। इसके बाद ये जो है जो अग्नाशय से निकला हुआ एंजाइम छोटी आंत में आके मिल रहा था वो प्रोटीओसेस और पेप्टोन्स को डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर रहा था। अब छोटी आंत से जो निकला हुआ एंजाइम डाइपेप्टाइडेस को कन्वर्ट करता है एमिनो एसिड्स में, और जो डाइसेक्राइड थे जैसे माल्टोज हो गया, इस पे माल्टेज एंजाइम वर्क करके कन्वर्ट करता है इसको सरल भाग, सरल टुकड़ों में ग्लूकोज, ग्लूकोज में। लैक्टोज सरकरा जो होती है इस पे लैक्टेज एंजाइम वर्क करके इसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। इसी तरह जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज होता है इस पे सुक्रेज एंजाइम वर्क करके कन्वर्ट करता है, इसको तोड़ता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड इस पे न्यूक्लियोटाइडेज वर्क करके न्यूक्लियोसाइड पहले बनाएगा, न्यूक्लियोसाइड बनाएगा, फिर इस पे न्यूक्लियोसाइडेज काम करेगा, इसको तोड़ेगा सुगर और बेस में। दोस्तों हमने देखा था अग्नाशय से जो निकला हुआ एंजाइम था वो छोटी आंत में फैट को किसमें कन्वर्ट कर दे रहा था, डाई और मोनो ग्लिसराइड में। अब छोटी आंत से जो लाइपेज निकल रहा है वो इसको तोड़ेगा फैटी एसिड्स और ग्लिसराल में। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम भोजन का पाचन कहाँ होता है। अगर क्वेश्चन ये आए मैक्सिमम भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो ये हमारी छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में। और क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पचे हुए पदार्थों का अवशोषण या एब्जॉर्बशन छोटी आंत के किस भाग में होता है? अवशोषण होता है जेजुनम और इलियम रीजन में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत के किस भाग में होता है? जेजुनम और इलियम रीजन में होता है। इसके बाद अब पाचन तो हो गया, इसके बाद जो बचा हुआ अनएब्जॉर्ब या हम कह सकते हैं बचा हुआ पदार्थ वाटर जो होता है ये पहुंचता है कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसे बड़ी आंत कहते हैं, बड़ी आंत। दोस्तों जो मांसाहारी होते हैं उसमें छोटी आंत की लंबाई कम होती है, जबकि शाकाहारियों में छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है। अब हम देखते हैं बड़ी आंत के कौन कौन से भाग होते हैं। बड़ी आंत में जो है पाया जाता है सीकम, सीकम इसका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट इसका कोलन है, और थर्ड पार्ट जो होता है बड़ी आंत का वो रेक्टम होता है।
दोस्तों अगर पूछा जाए बड़ी आंत के किस भाग में जल का अवशोषण होता है तो जल का अवशोषण बड़ी आंत के कोलन रीजन में होता है। शोषण कोलन रीजन में होता है। इसके बाद जो डाइजेस्टिव वेस्ट हुए, अब तो खाना पच चुका है, जो डाइजेस्टिव वेस्ट हुए जिनका पाचन नहीं होना है वो आके रेक्टम में हमारे स्टोर हो जाता है, स्टोर होता है और फिर एनस के थ्रू फीसेस, जिसे हम मल मूत्र कहते हैं, फीसेस के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने जो पाचन तंत्र था उसको दो वीडियो में पढ़ा, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में। अब हमारा ये पाचन तंत्र कंप्लीट होता है। यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। यदि आपको दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।